देश के प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अनेक रास्ते चुने। उनमें से एक रास्ता है देश के खनिजों के लिए एक नीति निर्धारण और उनके विकास के लिए सभी संसाधन मुहैया कराना है। इसी क्रम में राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों, सैंडस्टोन व मार्बल ने भी राहत की सांस लेकर विकास के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं। राजस्थान प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि और पशुपालन के अलावा यहाँ का रोजगार, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था खनिजों पर निर्भर है और खनिज के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नई खनिज नीति और उसके क्रियान्वयन की स्थिति के मद्देनज़र विकास क्रमबद्ध और स्थायी रूप से आगे बढ़ा। प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में मुख्यतः सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, अभ्रक, क्वार्ट्ज आदि हैं। इनमें से मुख्य रूप से सैंडस्टोन और मार्बल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत बनाते हैं अपितु शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के रोजगार का जरिया बनकर लाखों परिवारों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। वर्तमान बदलते परिवेश और टाइल्स के व्यापक उपयोग और छतों में आरसीसी के उपयोग के बाद राजस्थान के ये खनिज और उससे जुड़े व्यापारी संकट की स्थिति में आ गए। इसी संकट से इन खनिजों और इससे जुड़े व्यक्तियों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निर्यात के लिए नीति को सरल बनाया और अब तक प्रदेश और देश में खपत होने वाले ये खनिज विदेशों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने, जिससे न केवल देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई अपितु भारत के सैंडस्टोन और मार्बल ने विदेशों में अपनी धाक जमाई। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर निदेशक खनिज विभाग? खनन क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है, जो DMFT के फंड से खनिज क्षेत्र और खनिज प्रभावित क्षेत्र व्यक्तियों के कल्याण के लिए उस पैसे का यूज़ किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस पर फोकस है कि खानों के आसपास स्वच्छ वातावरण रहे। स्वच्छता पखवाड़ा भी अभी हमने मनवाया था और आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए हम प्रयासरत हैं कि उनको अच्छा सैनिटेशन, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर आदि उपलब्ध हो। खान मालिकों का स्वच्छता अभियान जो है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जल स्वावलंबन योजना है, उसमें भी हमारे खान मालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि आसपास के ग्रामीण इलाकों में खनन व्यवसायों के प्रति ग्रामीणों में ये अच्छा भाव रहे। ये नहीं रहे कि वो केवल वहाँ से अपना दोहन करके केवल प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके विकास में भी वो भागीदार हैं। तो हमारे खान मालिकों से करते भी हैं। इसके अलावा भी मैं अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो भी प्रोग्राम हैं उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो करीब 5 से 6 लाख लोगों को माइनिंग से रोज़गार मिला हुआ है और इनडायरेक्ट देखें तो करीब 25-30 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो उसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं, प्रोसेसिंग वाले लोग भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग भी आ जाते हैं। तो एक खेती के बाद में, कृषि के बाद में माइनिंग एरिया जो है एक रोज़गार देने का बहुत बड़ा सेक्टर है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो मिनरल रिच स्टेट में राजस्थान आता है। यहाँ करीब 81 प्रकार की वैरायटी के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से फ़िलहाल 57 वैरायटीज़ का ही दोहन हो पा रहा है। राजस्व की दृष्टि से भी देखें तो गत वर्ष हमने 4233 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था, इस साल 5200 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है। खनिज संपदा प्रकृति की एक अमूल्य संपदा है और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो मैं हमारे जो भी खनन दोहन करता है, खान मालिक हैं, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस खनिज संपदा का आवश्यकता के अनुसार और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उसका दोहन करें ताकि वेस्ट नहीं हो। सरकार की भी नीति है कि जीरो वेस्ट पर जोर दिया जाए, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में और आवश्यकता के अनुसार दोहन करें, वेस्टेज कम से कम हो। जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है तो ये हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण नियमों का पालन करें। तो मैं हमारे खान मालिकों से ये अपेक्षा करूँगा कि वो प्रकृति के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें और
आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों खनन क्षेत्रों के आसपास जहाँ भी जगह मिलती है वृक्षारोपण करें, कम से कम डस्ट पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो भी खानों में काम करने वाले मजदूर हैं वो हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसी प्रकार भारत सरकार के पर्यावरण MoEF के जो रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करें, EC की शर्तें जो हैं उसकी पालना करें, एयर वाटर कंसेंट में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो शर्तें हैं उनकी पालना करें। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में सैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया, सलावटिया, भाटकला आदि सैंडस्टोन की प्राचीन खाने हैं। पुराने समय में छेनी हथौड़े से संचालित होने वाली ये खाने नए परिवेश में सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन में नई तकनीकी को अपना रही हैं। ये तकनीक वायर साकी तकनीक और स्टोन में होल कर पाउडर का घोल डालना है, जिससे पत्थर आड़ा तिरछा नहीं कटकर साफ सुथरे रूप से कटे। और यही वजह है कि यहाँ का पत्थर जो विदेशों के लिए कोई मायने नहीं रखता था, वह आज अपने साफ सुथरेपन की वजह से विदेशों में अपनी धाक जमा रहा है। यद्यपि सैंडस्टोन से जुड़े व्यक्तियों की कई समस्याएं हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति ने इन समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया है। क्या कहते हैं सैंडस्टोन के व्यवसायी अपनी समस्याओं और कार्यों के बारे में? ये खड्डे करके हम ये गुट्टे चीण बेलते हैं, चीण से बेल के झूमर से वो चोट लगाते हैं, फिर ये पत्थर कटता है, उसको काटो काट काट करके लोडे से खड़े करके और उसे घबारे करके वापस पट्टे खोल के गाड़ी में लोड किया जाता है। एक तो हेलमेट और एक मास्क और एक जूते और ये और जिसमें भी फिर वो केमिकल के लिए ये करते हैं ना, तो उसमें ग्लव्स आते हैं वो अलग उपयोग करते हैं पत्थर काटने के लिए। हेलमेट लगा के मुँह के मास्क लगा के और ये काम करवाते हैं इनसे, बाकी इनका बीमा भी करवा रखा और अस्पताल में हेल्प चेकअप भी करा रखा। इसी तरह राजसमंद का मार्बल व्यापारियों, खान मालिकों और मजदूरों के लिए एक अहम स्थान रखता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय खान व्यवसायियों द्वारा लाखों की तादाद में वृक्षारोपण कर जो संदेश पूरे देश को दिया वह अपने आप में मील का पत्थर है। खनिज के दोहन के बाद खाली पड़े गड्ढों को डंप यार्ड बनाकर उस पर उपजाऊ मिट्टी डालकर राजसमंद के JK मार्बल और RK मार्बल ने जो कार्य किया वह ऐतिहासिक है। अपने डंप यार्डों पर पौधे लगाकर निरंतर उनकी पिलाई कर जीवित रखने के साथ साथ खनन क्षेत्र में जो हरियाली, बाग बगीचे और पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम किए वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। खनन क्षेत्र में RK द्वारा मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए जिस तरह से एक क्लासरूम की विधिवत शुरुआत की, वह खनिज क्षेत्र में प्रदेश का पहला एकमात्र क्लासरूम है। यहाँ न केवल स्वयं अपितु सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित सुरक्षा उपायों के बारे में मजदूरों को समझाया जाता है। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर JK माइंस से जुड़े अधिकारी? ऑलमोस्ट हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना काम करते हैं सब कि ये आसपास के जितने भी गांव हैं टोटल स्कूलों में स्कूल फर्नीचर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है 10 साल पुराना। उसके बाद में आज भी जितने भी गरीब बच्चे हैं हम स्कॉलरशिप देते हैं। अभी कांकरोली में जस्ट कोई कुश्ती का दंगल हो रहा है, उसके स्पॉन्सर हैं हम। और ये जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी हमने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है करीबन 3,000 स्क्वायर फीट का, बहुत RCC का हॉल बनाया है, वो इस पंचायत समिति पिपलांत्री में बनाया है। उसमें 10 कंप्यूटर लगाए, हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा कंप्यूटर स्किल्ड हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई है और वो हमने बना कर दी हुई। आसपास के गांव में जितने भी बच्चे हैं ये पढ़ने जाते हैं, इनकी किताबें कॉपियाँ, जो गरीब है जो हमारे माइंस पे आ गया उसको हमेशा हेल्प करते हैं। हमारे डंप यार्ड पे ऑलमोस्ट 1,00,000 पेड़ 6 फीट के हाइट के हैं, एवरेज पर डे मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 5 से 7 आदमी हमारे गार्डनर काम कर रहे हैं।
जितना हमने पर्यावरण जितना एरिया है उसका डबल हमने उससे भी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट बना दिया है। ऊपर आज की तारीख में बड़े बड़े वाटर होल बने हुए हैं जिसमें जो भी जंगली जानवर पानी पी सकते हैं। उसके अलावा हमने पूरी माइंस का एक इतना वाटर रिसाइकल का इतना बढ़िया सिस्टम किया, वाटर हार्वेस्टिंग का। सारा माइंस का पानी एक जगह जाता है, वो पूरा नीचे कच्चा पोंड है, एक माइनिंग करते हैं वैसा हमने पोंड बनाया, पोंड बना करके सारा माइंस का पानी ड्रेनेज सिस्टम से वहाँ डाला है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये आसपास का सारा एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल का ऊपर आ गया। उसके अलावा सब हमने इस तीन गांवों के पास में आने के लिए कोई रोड नहीं था, साइकिल के अलावा आदमी कोई आ नहीं सकता। टोटल खातेदारी की ज़मीन लेकर के हमने सीसी रोड बनाई जो आज की तारीख में गांव सब इससे जुड़ गए। यहाँ पे जो है लेबर फर्स्ट ऑफ ऑल जब काम पे आती है तो चेक पोस्ट पे इनको हम बिना सेफ्टी गैजेट्स पहने हुए हम अंदर नहीं जाने देते। ये उसके लिए जो हमने इनको दे रखे हैं सेफ्टी हेलमेट हैं, सेफ्टी शू हैं और ये रिफ्लेक्टिव जैकेट्स दे रखे हैं इनको, ईयर मफ है, नोज़ कैप है, ये सब हमने दे रखे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो मार्बल जो माइनिंग करते हैं उसमें जो ड्रेसिंग जो जिसमें बड़े ब्लॉक से छोटे ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो हम क्या है कि ड्रेसिंग कट लगा के बनाते हैं जिससे कि डस्ट नहीं उड़ती है। पहले पुराने ज़माने में पहले ड्रिलिंग से ये भाटे बनते थे, ब्लॉक्स बनाते थे जिसमें डस्ट उड़ती थी, अब वो बंद कर दिया हमने, अब ड्रेसिंग कट से बनाते हैं। दूसरी बात जो हम कट लगाने के लिए जो LD4 के होल वगैरह करते हैं वो सब हम टोटल वेट ड्रिलिंग करते हैं जिसके लिए हमारे पास में पूरा अरेंजमेंट है और उससे क्या है कि डस्ट नहीं होती। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे हमने सेफ्टी के और कई चीज़ें यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट एड रूम हमने यहाँ पे बना रखे हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत किसी को लगता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट एड रूम है, एम्बुलेंस है, इस तरह का कुछ भी होता है तो हमने कंटीन मेस की सुविधा है जो टोटली इनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर हाइजेनिक फूड मिलता है। हमारे यहाँ एक स्पेशल चीज़ क्या है कि इस मेस में किसी का कोई ब्रेकअप नहीं है। एक मैनेजर लेवल जिस फूड को खाएगा वही फूड हम नीचे लोगों को भी देते हैं। मतलब मेरा जो वर्कमैन है वो भी उसी मेस में खाना खाएगा, मैं भी उसी मेस में खाना खाऊंगा। यदि मेरे डायरेक्टर यहाँ पर आएंगे तो वो भी उसी मेस में खाना खाएंगे और फूड क्वालिटी सेम होगी। हमने यहाँ स्टाफ क्वार्टर्स भी बना के रखे हुए हैं, जो भी हमारा स्टाफ यहाँ से लोकल ना होकर के बाहर का है उसके लिए रहने की पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। और इसके अलावा हमने जितने भी काम किए हुए हैं, हमने माइनिंग में सेफ्टी रिलेटेड वेरियस अवार्ड्स प्राप्त किए। अभी रिसेंटली 2017 में हमने फिमी का नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है जो हमने इन्वायरमेंट में प्राप्त किया है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्राप्त किया है। 2018 में अभी जस्ट 2 डेज पहले हमें अवार्ड मिले हैं CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेस्ट मैकेनाइज सेमी मैकेनाइज माइनिंग पर अवार्ड हमको मिला है और इन्वायरमेंट पर ये अवार्ड हमको मिला हुआ है। खनिज क्षेत्र में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए इन माइंस द्वारा अपने रास्तों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे मजदूर और अन्य सिलिकोसिस या किसी अन्य गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हो। मार्बल उद्योग द्वारा अपने व्यवसाय को संचालित करने के साथ साथ किए गए सेवा कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। चाहे स्कूलों का निर्माण हो, पेयजल व्यवस्था हो या फिर चिकित्सालयों का निर्माण, सभी में मार्बल उद्योग की अहम भूमिका है। क्या कहते हैं स्वच्छता के वातावरण को बनाए रखने और अपने द्वारा संचालित किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में RK के जनरल मैनेजर माइंस। माइंस की सेफ्टी जो है माइंस एक्ट के तहत निर्धारित की जाती है, MMR भी उसमें आपको गाइड करता है। तो उसमें सबसे पहला होता है कि जो भी आपके कामगार है, वर्कमैन है, उनकी सेफ्टी हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो सेफ्टी सबसे पहले तो उनको प्रोटेक्टिव जो भी गियर्स हैं, चाहे तो हेलमेट हो, चाहे शूज़ हो, चाहे डस्ट मास्क हो और चाहे ईयर प्लग्स हो, ईयर मफ हो, ग्लव्स हो और या गोगल्स हो, वो सब वो अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं। और उससे पहले भी जब वो एक आदमी माइंस के अंदर प्रवेश करता है, जब उसका एनरोलमेंट होता है तो बी रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले उसका बी रजिस्टर में नाम होता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है। अगर कोई मेडिकल बीमारी है ऐसी तो उसको लिया नहीं जाता है, और नहीं तो नॉर्मल होने पर उसको एंट्री की जाती है और इनिशियल उसे माइंस वर्किंग के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो होते हैं, जो इस फील्ड के माहिर होते हैं, वो देते हैं। इसमें VT सेंटर होता है और VT सेंटर के अंदर में बहुत सारे एड्स होती हैं जिसके जरिए उनको माइंस की वर्किंग के बारे में समझाया जाता है।
आज आवश्यकता है कि उद्योग धंधे अपने लाभ के साथ साथ समाज के हित के लिए भी कुछ करें। प्रदेश के सैंड स्टोन और मार्बल उद्योग द्वारा संचालित किए जा रहे स्कूल, अस्पताल और अन्य सामाजिक कार्य अन्य उद्योग धंधों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। चाहे कपड़ा उद्योग हो या फिर डेयरी उद्योग, सभी को अपने अपने क्षेत्र में उद्योग धंधों को संचालित करने के साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी करने चाहिए, ताकि हमारा ये प्रदेश विकास में पूरे देश में नंबर 1 बन सके।